एवरीवन, हमारा टॉपिक चल रहा था पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका था नाउन, और सेकंड भी ऑलमोस्ट हो गया था प्रोनाउन, और उसके काइंड्स भी मैंने करवा दिए थे आप लोगों को। उसके काइंड्स पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिक, रिलेटिव एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये मैंने आपको करवा दिए हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, इट। एंड पजेसिव, माइन, अवर्स, योवर्स, हर्स, देयर। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज। डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, आइदर, नाइदर, ईदर या नीदर। इंटरोगेटिव, वो, वुज, वोम, विच, दैट, वेन। रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ। ऐसे ये इन्फेटिक वाले होते हैं, सेम एज इट इज़ होते हैं, बट इसमें थोड़ा सा कि इसमें डिफरेंस होता है कि ये जो हैं माई सेल्फ, हिम सेल्फ, ये एक में तो सब्जेक्ट के बाद आते हैं और एक में ये सबसे लास्ट में आते हैं, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट है अपना रिलेटिव प्रोनाउंस, जिसमें है वो, विच, दैट, वुज, वूम एसेट्रा। नेक्स्ट है इंडेफिनेट में हमारे हैं सम से बनने वाले, जैसे समथिंग, समवन, समबड़ी, एनी, एनीवन, एनीबडी, एवरी, एवरीथिंग, ये सारे इसमें आ जाते हैं। अब अपना फर्स्ट वाला है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन किसको रेफर करता है? पर्सन को। पर्सन कितने होते हैं? कितने होते हैं? थ्री ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, अब जैसे मैं बोल रही हूँ आपको, यानी मैं स्पीकर हूँ, है ना, मैं स्पीकर हूँ ना। बोलने वाला क्या होता है? स्पीकर, और सुनने वाला लिसनर, और जो अनदर हम किसी के बारे में बात करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, यानी थर्ड पर्सन वाला, जैसे ही, शी, इट, एनी नेम जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। अब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, तो मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन, और आप जो सुन रहे हो वो कौन है? सेकंड पर्सन। ओके, तो जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट पर्सन स्पीकर्स, फर्स्ट पर्सन स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन, आई और वी इसके जो इंडिकेशन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं? आई और वी, सेकंड पर्सन इज हेयर यू, एंड थर्ड पर्सन इज हेयर ही, शी, इट एंड दे। इसकी डेफिनेशन क्या है? ए पर्सन अबाउट होम समथिंग इज टोल्ड, यानी कि एक पर्सन या बहुत सारे पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या होते हैं? हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। एक चार्ट मैंने बना रखा है, तो पर्सनल जो प्रोनाउन का है वो आप लोग अपनी नोटबुक में बना लीजिए। इसकी जो फॉर्म लिखी हुई है मैंने, जो ये पर्सनल प्रोनाउन है उसकी, अब मैंने एक में सब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, अभी सिंगुलर है या प्लूरल है ये भी मैंने इसको इंडिकेट किया हुआ है। अब जैसे आई है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट। माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। और माइन क्या है? हमारा पजेसिव प्रोनाउन, और ये क्या है? सिंगुलर। ऐसे ही वी का है, वी सब्जेक्ट, अवर एडजेक्टिव, अस क्या है? ऑब्जेक्ट, और अवर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, और ये क्या है? प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। यू, योवर, यू, योवर्स इसका क्या है? प्रोनाउन है, और ये यू है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब यू को हम सिंगुलर, यानी कि अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, आप, अब वहाँ पर वन पर्सन भी हो सकता है, मतलब वन मोर देन हो सकते हैं, टू, थ्री, फोर, फाइव ऐसे हो सकते हैं ना, तो वो वन के लिए भी यूज़ होता है और मोर देन के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट, ही, हर, शी, हर, हर, हर्स, इसका जो पजेसिव प्रोनाउन होता है ही का नहीं होता है, और ये सिंगुलर होता है। ऐसे ही इट, इट्स, इट होते हैं, इसका भी प्रोनाउन नहीं होता है। दे, देयर, देम और देयर्स, इसका क्या होता है? प्रोनाउन होता है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं होता, और ये क्या होता है? प्लूरल होता है। ओके, ये आप अपने उसमें अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट है अपना पजेसिव प्रोनाउन। अपना फर्स्ट वाला क्लियर हो गया है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड वाला है
पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन मैंने ऊपर भी रेफर कर रखे हैं ना, माइन, अवर्स, हर्स, देयर्स, ये सारे क्या हैं, पजेसिव प्रोनाउन। अब ये देखो, फॉर एग्जांपल दिस बुक इज माइन, यह बुक क्या है, मेरी है, यह बुक मेरी है। दैट बुक इज योअर्स, और वह बुक तुम्हारी है। यहाँ पे माइन और योअर्स किसको इंडिकेट कर रहे हैं, पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन को, किसको इंडिकेट कर रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन को। नेक्स्ट वाला अपना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज सच, ये हमारे पास दिस दैट दीज दोज और एंड सच ये इंडिकेट करते हैं। जैसे दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये, दोज मतलब वे, तो ये सच इस प्रकार, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे बोलते हैं ना अपन, इस तरीके से। तो ये सब किस में आते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव में, देखो दीज दोज दिस दैट ये सारे आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, बट अगर इनके बाद में नाउन है, जैसा कि मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपको दे रखा है दिस बुक इज माइन, अब इस दिस के बाद नाउन है, नाउन है ना, तो ये क्या बना, क्या बना, एजेक्टिव बना, क्या बना, ये एजेक्टिव बना। अब इस दिस दोज के बाद में नहीं है, अगर मैं यहाँ दिस लगा दूँ, दिस इज माई चेयर, दिस इज योर शू, ऐसे आ सकता है ना, दिस इज आता ना, तो ये क्या हो जाता, क्या बनता फिर, ये आप बताओ मुझे क्या बनता। जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पर दिस इज माई चेयर, अब ये दिस के बाद में इज है ना, कोई भी नाउन नहीं है। अगर दिस दैट दिस दोज के बाद में नाउन हो तो वो एजेक्टिव बन जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव, और नहीं हो तो वो क्या बन जाते हैं, प्रोनाउन बन जाते हैं। ये इनको मतलब इनकी जो डिफरेंट, ये जो अलग अलग है, इनको कैसे पता करें, उसको पता करने का एक ये छोटा सा तरीका है कि अगर दिस दैट दिस दोज के बाद नाउन होना तो वो क्या होते हैं, एजेक्टिव होते हैं, और नहीं हो तो वो क्या होते हैं, प्रोनाउन। देखो दोज आर माई चेयर्स, दीज आर योर शूज, अब इन दोनों के अंदर क्या आई है, वर्ब आई है ना, तो वर्ब आने से ये क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। नेक्स्ट है अपना इसको इंडिकेट करने के लिए दिस और दीज, दिस और दीज इंडिकेट टू नियर थिंग्स, पर्सन एसेट्रा। अब दिस और दीज दोनों ही किसी भी चीज़ को जो हमारे पास में है उसको शो करती है, जैसे दिस दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है, यह मेरी बुक है, यानी कि वो अपने पास में ही नजर आ रही है, जैसे ऐसा लग रहा है। और दिस आर योर शूज, मतलब ये शूज तुम्हारे हैं, ये का मतलब जैसे ये पास में रखे हो उसको इंडिकेट करते हो। दैट और दोज टू इंडिकेट अवे फार थिंग्स, यानी कि वो दूर की चीज़ों को, पर्सन को शो करते हैं। दिस एंड दैट टेक्स सिंगुलर थिंग्स एंड सिंगुलर वर्ब, दिस और दैट के साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर थिंग्स आएंगी और सिंगुलर ही क्या आएगी, वर्ब आएगी। दिस और दोज के साथ सिंगुलर ही थिंग्स होगी और सिंगुलर ही वर्ब होगी। ओके, आज आपकी जो अपनी क्लास है उसमें इतना ही, नेक्स्ट मैं आपको करवाती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसको अच्छे से, जो चार्ट बनाया है उसको भी अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।